वेलकम टू आर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। जितने भी स्टूडेंट आगे चल के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम देने वाले हैं, एक चीज दिमाग में जरूर रखना कि यहां से सिर्फ आपको एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, वो है रेलवे में नौकरी। इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा आपने टाइम दिया है, 2019 में नोटिफिकेशन आया था, ये 2022 है। इतना ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा हार्डवर्क, इतना ज्यादा पेन, इतना ज्यादा इमोशंस, इतने सारे प्रोटेस्ट, उसके बाद आप यहां पे पहुंच पाए हैं। तो यहां से सिर्फ एक ही चीज, वो है रेलवे में नौकरी। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रेलवे में नौकरी चाहिए। इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत करें, कम टाइम है, 15 से 18 घंटा रोज जो है मेहनत करें और रेलवे में नौकरी जो है ये सिक्योर जरूर कर ले। बेकार का टाइम वेस्ट मत करें, इधर उधर जो है जो बेकार के चैनल्स हैं उनको बिल्कुल आप फॉलो मत करें। जो अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब में, उनको फॉलो करें जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन होते हैं। इसके अलावा जो अच्छे बुक्स हैं उनको फॉलो करें। ऑब्वियसली अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है, दैट मींस दैट आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है। थोड़ा सा इसको जो है रिवीजन करना है, थोड़ा सा रिफ्रेश करना है और थोड़ा सा जो है एडवांस यहाँ पे चीज़ों को पढ़ना है, दैट्स ऑल। आप क्वालिफाई करने के लिए तैयार है, मोटिवेटेड रहे। इसी वजह से हमने क्या किया है, जो टारगेटेड क्वेश्चंस है, जिस तरह के क्वेश्चंस रेलवे बनाता है उसी तरह के क्वेश्चंस हमने आपके लिए डिजाइन किया है। कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे 100 से भी ज्यादा हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चंस जो है रेलवे बार बार बनाता है, उसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लिया गया है। और यहाँ पे कोई भी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आधा अधूरा देख के कोई भी एग्जाम जो है क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है, लगभग लगभग आधा अधूरा। जिस तरह पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल है, इसी तरह जो है आधा अधूरा अगर वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा देखना है तो वीडियो को यहीं पे छोड़ दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पूरा ही वीडियो को देखना, उसके बाद जो है वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाना। स्टार्ट करते हैं। ए डैश इज ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 2, फायरवॉल। बेसिकली फायरवॉल क्या है, फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फायरवॉल बेसिकली एक सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल अगर हम देखें तो ये बेसिकली कुछ सिक्योरिटी रूल्स पे काम करती है, कुछ सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स होते हैं कि कौन सा बेसिकली वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हैं, क्या चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं, क्या चीज़ आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये जो है जो सेव वेबसाइट्स हैं उन पे जाए, अनसेव वेबसाइट में ना जाए या फिर कोई ऐसा वैसा वेबसाइट्स में ना जाए। इसके लिए वो क्या कर सकती है, कंपनी से एक फायरवॉल मंगा सकते हैं कि इस तरह के उनको चाइल्ड लॉक्स चाहिए, तो इस तरह का जो है चीज़ें वो मंगा सकती है। इस तरह का बेसिकली फायरवॉल का जो नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है इसे मंगा सकती है, जिससे वो बच्चा जो है इधर उधर को वेबसाइट ना जा सके, उन्हें एक्सेस ना कर पाए, तो इसे फायरवॉल कहते हैं। और एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि समझने में ज़्यादा आसान हो। जैसे चाइना एक कंट्री है, ये क्या करती है, जो भी अपने कंट्री में जो भी सर्वर्स हैं, जो भी डेटा है उनको आप एक्सेस करें, बाहर की दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बाहर की दुनिया की चीज़ों को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पे जो है चाइना यहाँ पे क्या करती है, फायरवॉल यहाँ पे यूज़ करती है ताकि बाहर की चीज़ों को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो है बेसिकली फंक्शन है फायरवॉल का, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि ये चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा था, तो इसका जो सही जवाब है यह ENIAC। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, जरूर ध्यान रखना, फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, फुल फॉर्म कुछ ही एग्जाम्स में बने हैं तो फुल फॉर्म बिल्कुल पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे उसके लिए जो है पहले ही क्षमा जो है मांगते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पे जो वीडियो यहाँ पे आगे चलने वाले हैं थोड़ा सा फास्ट जाने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा सा जरूर आपको मैनेज करना पड़ेगा। ईमेल वॉज इन्वेंटेड बाय, तो ईमेल जो है किनके द्वारा जो है ये इन्वेंट किया गया है, तो ईमेल जो है ये रे टॉमिलसन के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 1, रे टॉमिलसन। What type of keyboard is used in fast food store, restaurants and shops? तो कौन सा टाइप ऑफ कीबोर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ इसका जो सही जवाब है यहाँ पे ये है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड को बेसिकली काम में लिया जाता है। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड्स क्या होते हैं, ये उस तरह के कीबोर्ड्स होते हैं, बेसिकली कह सकते हैं की होते हैं या बटन होते हैं दैट आइडेंटिफाई बाय एन इमेज। फॉर एग्जाम्पल एक फास्ट फूड चेन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मैकडोनल्ड्स में आप जब जाते हैं ऑर्डर करते हैं, वहाँ पर अगर आप कंप्यूटर के थ्रू ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको इमेज के थ्रू दिखा दिया जाएगा कि ये बर्गर है, ये बर्गर है, ये बर्गर है, कौन सा आपको जो है यहाँ पे ऑर्डर करना है। तो आप उसमें जो है सिंपल क्लिक करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। तो फास्ट इन्फॉर्मेशन, फास्ट इनपुट गैदर करने के लिए जो है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड्स को बनाया गया है। तो ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड चेन्स हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। द सिस्टम दैट कन्वर्ट्स एन आईपी एड्रेस इनटू इजी टू रिमेंबर फॉर्मेट इज कॉल्ड। अगर आईपी एड्रेस को देखें, फॉर एग्जाम्पल एक आईपी एड्रेस फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 49.71.165.212, एक आईपी एड्रेस है।
तो इसको याद रखने में थोड़ा सा जो है ये टफ है, ठीक है। तो इसको अगर सिंपल और इजी टू रिमेंबर फॉर्मेट में अगर याद रखना है तो इसे जो है कन्वर्ट कौन करता है, डोमेन नेम सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म है DNS। तो ये जो है क्वेश्चन काफी और बना है, तो डोमेन नेम सिस्टम इसके बारे में पढ़ लेना, रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है रेलवे पूछता है। एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा फ्रॉम मेलिशियस रीजन, फॉर मेलिशियस रीजन इज टर्म्ड एज। तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, तो यही डिफरेंस है। कुछ लोग जो है इसे हैकिंग कहते हैं, लेकिन इसे हैकिंग नहीं फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपको एक फ्रॉडलेंट जो है फ्रॉड एक मेल आता है, उसमें जो है आपको लगता है कि नहीं ये एक रिपूटेड ऑर्गेनाइजेशन से है। बेसिकली यहाँ पे ये जो बेसिकली जो अटैकर होते हैं, जो फिशिंग अटैक कर रहा होता है, वो आपका जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है, जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल, ताकि इनको जो है वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके और इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये एक एग्जांपल है फिशिंग अटैक का, ईमेल के थ्रू हो सकता है। और एक एग्जांपल बताते हैं, रिसेंटली हुआ था, इससे पहले जो ट्विटर के CEO थे तो उनके साथ हुआ था। क्या हुआ था, उनका जो सिम कार्ड था, उनके सिम कार्ड को जो है ब्लॉक करवा के एक दूसरा सिम कार्ड जो है इशू कर लिया गया था, और उससे जो है उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। मान लीजिए ट्विटर का CEO का अकाउंट जो है ये हैक कर लिया गया था, क्यों, क्योंकि फिशिंग अटैक इसमें किया गया था। क्या हुआ था, उनका जो सिम कार्ड का जो नंबर है उसे आइडेंटिफाई किसी तरह किया गया और फिर उसे ब्लॉक कर दिया गया, फिर नया सिम इशू उसी जो है उसी नंबर पर कर दिया गया, और फिर क्योंकि ट्विटर उसी नंबर से लिंक्ड है, उसी नंबर से जो है उन्होंने जो है उनका ट्विटर को एक्सेस कर लिया। तो बेसिकली इसे कहा जाएगा फिशिंग अटैक। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम देखें तो मेमोरी मैनेजमेंट में भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, फाइल मैनेजमेंट करने में मदद करता है, सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सारे जो है कर सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जरूर ध्यान में जरूर रखना। प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स ओवर इंटरनेट। एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ना इंटरनेट, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को जरूर ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा बेसिकली प्रोटोकॉल्स यूज़ किया जाता है जो ट्रांसफर टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स ओवर इंटरनेट। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, कभी कभी फुल फॉर्म नहीं दिया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म ही दिया रहता है। तो FTP इसका जो है ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आसान क्वेश्चन आता है, एक बात ध्यान रखना, रेलवे में आसान क्वेश्चन आता है, इसका आंसर बिल्कुल आप दे सकते हैं। जैसे मैकैफे, ये तो सॉफ्टवेयर बनाती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कैस्परस्का ये भी प्रोवाइड करती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नॉटन का भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, ओरेकल जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करती है। बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाती है। तो नॉट पूछा गया है, तो ओरेकल जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सारे हैं। फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज, तो कौन सा जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। तो कैच मेमोरी जो है ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। कैच मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है। CPU जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला रहता है वो सारे जो है इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर रहते हैं। और हमने मेमोरी हायरार्की के ऊपर में जो एक वीडियो भी बनाया था कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर में, उस वीडियो को जरूर देख लेना। और जो सबसे फास्टेस्ट होते हैं उनका डेटा स्टोरेज जो है सबसे कम होता है, जो सबसे स्लोएस्ट होता है उनका डेटा स्टोरेज जो है सबसे ज़्यादा होता है, ये बात भी जरूर ध्यान में रखना। Li-Fi स्टैंड फॉर, Wi-Fi का फुल फॉर्म रिसेंटली पूछा गया था, जो RRB NTPC CBT1 हुआ था Wi-Fi का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो Wi-Fi का जो फुल फॉर्म है यह है वायरलेस फिडेलिटी, Li-Fi का जो फुल फॉर्म है यह है लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी जो है इसका सही आंसर है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज, तो जो बेसिकली सर्वर होता है इंटरनेट में इसे और कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसे बेसिकली होस्ट के नाम से जाना जाता है। सर्वर क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक इंटरनेट में, अगर हम मान लीजिए एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाया, वेबसाइट तो बना लेंगे लेकिन यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशंस हैं वेबसाइट में, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं इन्फॉर्मेशन है, इनको कहाँ स्टोर करते हैं, इनको जो है सर्वर में स्टोर किया जा सकता है, स्टोर किया जाता है। और बाकी उसके बाद में जो है जो भी मान लीजिए अगर आपको वेबसाइट है, मैं अगर एक्सेस कर रहा हूँ, तो जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे वेबसाइट में है वो सारे कहाँ पे स्टोर है, वो सर्वर में स्टोर होते हैं। तो इसे जो है होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और कॉमनली आजकल जितने भी इंपॉर्टेंट अगर हम होस्ट देखें, जैसे अमेजोन वेब सर्विसेज एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सर्वर जो है वेब सर्विंग जो है कंपनी है जो कि होस्ट जो है प्रोवाइड होस्टिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, इसके अलावा अलीबाबा के भी बहुत सारे हैं। तो इसी तरह जो है इन्हें जो है बेसिकली सर्वर जो है इंटरनेट में इसे होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ये थोड़ा सा जान लें, क्योंकि इतना जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, मान लीजिए एक पेपर है, एक प्रिंटिंग डिवाइस है, यहाँ पे जो प्रिंटिंग डिवाइस है ये यहाँ पे कोई
इनके बीच में जो है कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है, इनके बीच में जो है गैप रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। जैसे लेज़र प्रिंटर, एक मेटल सीट में लेज़र के थ्रू जो है प्रिंट किया जा रहा है, तो इनके बीच में जो है थोड़ा सा गैप होगा और लाइट के थ्रू जो है ये यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रिंट होता है, कोई डिज़ाइन बनाया जाता है। तो लेज़र प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे, क्योंकि जो प्रिंटिंग डिवाइस है और जो पेपर है इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर जो मेटल सीट है और जो लेज़र यहाँ पे प्रिंटर है जो प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है गैप होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो इसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर 4, इंकजेट प्रिंटर जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर ठीक इसका अपोजिट होता है, जिसमें पेपर और जो प्रिंटिंग डिवाइस होता है ये डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट में होते हैं और डायरेक्ट जो है प्रिंटिंग डिवाइस में प्रिंट करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय, तो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है या किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये गूगल के द्वारा जो है बनाया गया है, गूगल के द्वारा ये डेवलप किया गया है। व्हाट इज जीप ड्राइव, तो जीप ड्राइव बेसिकली क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1, ए मीडियम कैपेसिटी रिमूवेबल डिस्क स्टोरेज सिस्टम, बेसिकली ये जीप ड्राइव है। अब जीप ड्राइव के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ईयर में जो है इसे बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था और कौन सी कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और कौन सा बेसिकली, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टोरेज यहाँ पे डिवाइस होते हैं, किसी के द्वारा जो है यहाँ पे मैग्नेटिक टेप यूज़ किया जाता है स्टोरेज के लिए, किसी के अगर देखें तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट डिवाइस यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ किया था वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जीप ड्राइव सबसे पहले ये है कि ये मीडियम कैपेसिटी रिमूवेबल डिस्क स्टोरेज सिस्टम है, लॉन्च किया गया था या फिर इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में, कौन से कंपनी के द्वारा, लोमेगा, LOMEGA, लोमेगा के द्वारा ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में। और यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज है, ये याद रखना, ये मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज है। विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वॉज नॉट पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पहला जो लॉन्च किया गया था वहाँ पे इनमें से कौन सा जो है ये पार्ट नहीं था, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये पार्ट नहीं था, 2012 में जो है इसे प्रॉपरली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को लाया गया। और उसके अलावा अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड भी था, एक्सेल भी था और पावर पॉइंट भी था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, इसे बेसिकली क्रॉपिंग कहा जाता है। तो जो अनवांटेड पार्ट है, जो भी मान लीजिए एक फोटो आपने खींचा, मान लीजिए इसमें कुछ अनवांटेड पार्ट है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्रॉप करके जो ओरिजिनल इमेज से निकाल लेते हैं, तो इसे बेसिकली क्रॉप कहा जाता है, अनवांटेड पार्ट को आप रिमूव कर देते हैं। ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ, तो ईमेल एड्रेस जो है ये कितने पार्ट्स में बना हुआ होता है, 4 parts, 3 parts, 2 parts या सिंगल पार्ट। तो ईमेल एड्रेस अगर आप देखें तो ये 2 parts में डिवाइडेड होता है, पहला है यूजर नेम और दूसरा है डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे virat@gmail.com, तो विराट जो है ये यूजर नेम है और यहाँ पे gmail.com जो है ये डोमेन नेम है। इसी तरह और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे support@notice.com, तो सपोर्ट जो है ये यूजर नेम है, @notice.com है ये डोमेन नेम है। तो उसका जो सही आंसर है ये है 2 parts। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इनटू करंट प्रेजेंटेशन, याद रखना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो है काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, शॉर्टकट कीज जो है यहाँ से भी पूछा जाता है। तो शॉर्टकट की क्या है, अगर करंट अगर प्रेजेंटेशन है इसमें अगर नया स्लाइड अगर हमको ऐड करना है या हमें ऐड करना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एम जो है ये जो है प्रेस करके हम इसमें एक नया स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं करंट प्रेजेंटेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, तो इनमें से जो है यूटिलिटी प्रोग्राम का कौन सा एग्जाम्पल है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल है। सबसे पहली बात, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है इसका डिफिनेशन थोड़ा सा जान लेते हैं, या यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है। यूटिलिटी प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस रिसोर्सेज और फाइल, तो ये बेसिकली स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस रिसोर्सेज और फाइल, फॉर एग्जाम्पल जैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन, फाइल कंप्रेशन, ये सारे जो है ये काम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो है इन्हें बेसिकली डेवलप किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी ऑप्शन, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये बेसिकली कह सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क मैनेजर ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम में आता है, फाइल कंप्रेशन ये भी कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि स्पेसिफिक टास्क जो है ये परफॉर्म यहाँ पे कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके पहले और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं RRB NTPC CVT 2 के लिए, स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, 50 नंबर का अगर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बनने वाला है ना, तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से बनने ही वाला है। तो इसीलिए हमने जो है स्टैटिक जीके 100+ टॉपिक का बुकलेट लॉन्च किया है, जितना कम में हो सके उतना कम में आपके लिए लॉन्च किया, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है ले सके, सिर्फ 109 रुपीज़ में लॉन्च किया है। एक बार वीडियो पॉज करके जरूर देख लेना,
ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्ट्रैटेजी के से, जहाँ से बार बार रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है, उन सारे टॉपिक्स को हमने कवरअप किया है। तो इस बुकलेट को जरूर ले लें, ये रिक्वेस्ट रहेगा हमारे तरफ से, क्योंकि आप देखिए पीछे मुड़ के देखने का कुछ नहीं है, जो है सिर्फ नौकरी ही आपको दिखाई देना चाहिए। तो स्टैटिक जी के बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर जरूर कर लें। इसको लेना कैसे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें क्लिक करना है, नाम फोन नंबर ईमेल आईडी भरना है, जैसे ही 109 रुपीज़ पे करते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। प्रोसेस याद रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करना है, नाम फोन नंबर ईमेल आईडी, उसके बाद आप पेमेंट में पहुंच जाएंगे। 109 रुपीज़ आप जैसे ही पे करते हैं आपका मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहां से आप से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल पीडीएफ जैसा फाइल है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को मिस मत करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है, ताकि स्टैटिक जीके में आपका पूरा फुल कमांड यहाँ पे रहे। तो अगर आपको लेना है स्ट्रैटेजी या बुकलेट, आप बिल्कुल ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही दिए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी व्हिच अलाउ साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन इज, तो वो कौन सा कंप्यूटर मेमोरी है जो कि साइमल्टेनियसली रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है ये अलाउ करता है, तो ये बेसिकली जो है ये है रैम। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ये है रैम। वैसे मेमोरी के ऊपर में, कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर में एक स्पेसिफिक हमने वीडियो बना दिया है, हमारे चैनल में है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। BIOS is stored in, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बार बना है BIOS के रिलेटेड। BIOS बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, BIOS का फंक्शन क्या है, BIOS मॉडर्न कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर होता है। तो सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। BIOS is stored in ROM, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो ROM, अगर ROM ऑप्शन में ना हो तो फिर फ्लैश मेमोरी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो BIOS जो है ये फ्लैश मेमोरी में बेसिकली स्टोर रहता है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, फ्लैश मेमोरी जो है ये नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम है। बेसिकली इसे जो है इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अगर BIOS में जो है कहाँ पे स्टोर रहता है ये क्वेश्चन पूछा गया, रॉम ना हो तो फ्लैश मेमोरी रहेगा या फिर EPROM रहेगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम रहेगा, EPROM ये रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर रहेगा। अब आते हैं BIOS पे। BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। BIOS करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। BIOS बेसिकली जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, यूज्ड बाय CPU टू परफॉर्म स्टार्टअप प्रोसीजर व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, ये बेसिकली इसका फंक्शन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, अभी हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में डिस्कस किया था। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो प्रिंटिंग बेसिकली जो डिवाइस है और जो बेसिकली पेपर है ये जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं और इसी के ऊपर जो है प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर अगर हम देखें, जैसे अभी हमने देखा था लेज़र प्रिंटर क्या है, ये नॉन इम्पैक्ट है। इंकजेट प्रिंटर क्या है, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्लॉटर भी नॉन इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे जो है लाइन प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली है। व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट निमोनिक कोड टू मशीन कोड, तो निमोनिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम को बेसिकली यूज़ किया जाता है, तो असेंबलर को यूज़ किया जाता है। असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में बेसिकली कन्वर्ट करता है। तो निमोनिक कोड अगर ना दिया हो तो ये भी दिया हो सकता है कि असेंबली कोड, असेंबली लैंग्वेज को बेसिकली मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज इज बेसिकली लो लेवल जो है ये लैंग्वेज है, बेसिकली इट इज रिटन इन निमोनिक्स। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4, असेंबलर। Which of the following is the latest version of Android? Last 5 version of Android, ये बिल्कुल ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ना बन के आपको दिया जाएगा प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा है। तो लास्ट जो 5 वर्जन है एंड्रॉयड का ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो लेटेस्ट वर्जन इनमें से जो है ये है रेड वेलवेट केक जो है ये लेटेस्ट वर्जन है। इन एम एस एक्सेल हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स, तो फॉर्मेट पेंटर जो है इसे मल्टीपल टाइम हम एम एस एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए एम एस ऑफिस में थोड़ा सा कमांड होना जरूरी है क्योंकि एम एस ऑफिस से क्वेश्चन बनते हैं। सो सही आंसर है बाय डबल क्लिकिंग ऑन फॉर्मेट पेंटर आइकॉन। तो डबल क्लिकिंग ऑन फॉर्मेट पेंटर आइकॉन वी कैन यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स इन एम एस एक्सेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट, तो इंटरनेट से कौन सा रिलेटेड नहीं है, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ब्राउजर रिलेटेड है, सर्च इंजन रिलेटेड है, लिंक रिलेटेड है, माउस जो है ये रिलेटेड नहीं है। 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB जो है ये बेसिकली कितना होता है। सबसे पहले थोड़ा सा मेमोरी के बारे में आप जान लीजिए कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बार बना है बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। 8 बिट अगर हम कर देंगे तो ये 1 byte हो जाएगा, 1 byte, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1024 हम अगर बाइट करेंगे, 1024 अगर हम बाइट कर देते हैं तो ये 1 KB हो जाता है, 1 KB हो जाता है। ठीक है, KB। इसी तरह 1024 KB कर देंगे तो ये जो है 1 MB हो जाएगा। इसी तरह 1024 MB कर देंगे तो 1 GB हो जाएगा। सबसे छोटा होता है बिट, उसके बाद होता है बाइट,
फिर होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इसी तरह होता है पूरा। आपको और एक क्वेश्चन है जहाँ पे पूरा ही डिस्कस कर देंगे, सबसे बड़ा जो है ये मेमोरी का यूनिट कौन सा है ये भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसे कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है, करेंटली बहुत जगह यूज़ किया जाता है। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ किया जाता है? इसका सही आंसर है प्रोलोग। ठीक है, इसका जो सही आंसर है यह है प्रोलोग। प्रोलोग जो है इस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर ए डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर बेसिकली होता क्या है, डिवाइस ड्राइवर के बारे में जो है थोड़ा सा जानना जरूरी है। डिवाइस ड्राइवर कभी कभी ऑप्शन में ये भी ये क्वेश्चन बना है, डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। सबसे पहली बात, डिवाइस ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस, ये जरूर ध्यान रखना। एंड इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज ट्रांसलेटर बिटवीन ए हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज इट। तो बेसिकली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस रिक्वायर्स ए डिवाइस ड्राइवर, तो इसका सही आंसर है यह है डिक्स। डिक्स जो है इट रिक्वायर्स ए डिवाइस ड्राइवर। स्टेडिया इज ए वीडियो गेम स्ट्रीमिंग ऑफ। तो स्टेडिया जो है ये किसका वीडियो गेमिंग स्ट्रीमिंग में स्ट्रीमिंग जो है ये सिस्टम है, ये बेसिकली स्टेडिया जो है ये क्लाउड वीडियो गेमिंग स्ट्रीमिंग जो है ये सिस्टम है, ये जो है बनाया गया है गूगल के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये गूगल के द्वारा बनाया गया है। और एक वीडियो गेमिंग स्ट्रीमिंग जो है ये साइट है ट्विच, TWICH, ट्विच, ये किसका है, ये है अमेजोन का, ये भी क्वेश्चन बना है। ट्विच बिल्कुल ध्यान रखना, ये अमेजोन का है। ठीक है, अमेजोन के द्वारा ये डेवलप बेसिकली किया गया है। व्हाट इज द यूज ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस जो है इसका यूज क्या है, आउटपुट डिवाइस टू स्टोर डेटा, डेटा स्टोर तो जो है इनपुट डिवाइस में भी स्टोर हो सकता है, जो सिस्टम के अंदर जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें स्टोर हो सकता है, प्राइमरी मेमोरी में भी जो है कुछ डेटा स्टोर हो सकता है, तो ये तो ये जो बेसिकली यूज नहीं है। स्कैन डेटा, अगर हम डेटा स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पे तो इनपुट ले रहे हैं, हम आउटपुट ले नहीं रहे, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद टू इनपुट डेटा, तो डेटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का जरूरत है। तो लास्ट ऑप्शन जो रह जा रहा है ये है टू व्यू और प्रिंट डेटा, इसके लिए जो है आउटपुट डिवाइस जो है यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जा सकता है। तो इसी तरह ऑप्शन भी एलिमिनेट करके बिल्कुल आप क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट वेब पेजेस। तो वेब पेजेस को जो है लिखने के लिए जो है इनमें से किसको यूज़ किया जाता है, तो HTML को यूज़ किया जाता है। HTML बेसिकली कोई भी वेबसाइट बनाने का जो बेसिकली जो इनिशियल स्ट्रक्चर होता है ना वो HTML से ही लिखा जाता है, जो इनिशियल स्ट्रक्चर जो है वेबसाइट का वो HTML के थ्रू ही लिखा जाता है। तो वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसे यूज किया जाता है। विच फोल्डर रिटेन्स कॉपी ऑफ ए मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड। मान लीजिए एक सिंपल से लेते हैं मोबाइल, SMS अब एक लिखते हैं लेकिन उसको भेजते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कहाँ पर फिर सेव हो जाता है, ड्राफ्ट में। इसी तरह एक मेल आप लिखते हैं, मेल फिर आप भेजते नहीं है, ऐसे ही जो है उसे छोड़ देते हैं, कहाँ सेव हो जाता है, ड्राफ्ट में। सही आंसर है ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर 3 ड्राफ्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर। तो इसका सही जवाब है ये प्लॉटर। बहुत सारे स्टूडेंट को प्लॉटर के बारे में नहीं पता है, तो प्लॉटर बेसिकली सबसे पहले ये जान लो कि आउटपुट डिवाइस है, बेसिकली इसे यूज़ किया जाता है इन ट्रांसलेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू ए पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर। खास करके जो मैप वगैरह होता है ना, इसे जो है प्लॉटर के थ्रू ही बनाया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट वेबसाइट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो वर्ल्ड का सबसे पहला वेबसाइट जो है कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, ये स्विट्जरलैंड में जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था। नाम क्या था, सर्न, CERN, सर्न, ये क्वेश्चन बना है काफ़ी बार। और वेबसाइट अगर हम इन डिटेल में देखें तो वेबसाइट का नाम क्या था, info.cern.ch, ये था, ये लिख लें बिल्कुल। ठीक है, ये पहला वेबसाइट था, आज भी जो है एक इसे काम में लिया जाता है, तो ये बेसिकली ये वेबसाइट था। द डिजिट यूज इन ए बाइनरी नंबर सिस्टम आर डैश एंड डैश। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट यूज़ किया जाता है, 0 और 1, यही कंप्यूटर को भी समझ में आता है। बाइनरी जो है नंबर्स, बाइनरी सिस्टम ही जो है कंप्यूटर को समझ में आता है, तो 0 और 1 को यूज़ किया जाता है, आइदर 0 और 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस विच कैन सेंस लाइट एंड इट यूज टू पॉइंट एट स्पॉट ऑन वीडियो स्क्रीन। तो इसका सही जवाब है यह है लाइट पेन। लाइट पेन बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड डज नॉट अफेक्ट द फ्रंट टेक्स्ट। तो फ्रंट टेक्स्ट जो है बेसिकली टेक्स्ट फ्रंट जो है इसको जो है कौन से इनमें से कमांड अगर हम देते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट फ्रंट में जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बोल्ड अगर करेंगे तो बोल्ड तो ऑब्वियसली हो जाएगा, और ज़्यादा बोल्ड दिखेगा, और ज़्यादा मोटा दिखेगा बेसिकली। मान लीजिए इसे हम बोल्ड करते हैं, थोड़ा और जो है मोटा और साफ दिखेगा। इटैलिक्स करते हैं, थोड़ा टिल्टेड हो जाता है इमेज, ऑब्वियसली इसे भी इफेक्ट पड़ेगा। अंडरलाइन करेंगे तो भी इससे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर बॉर्डर्स ये कमांड अगर हम देते हैं तो इससे टेक्स्ट फ्रंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। डॉक्यूमेंट, इमेज, मूवी आर स्टोर्ड इन।
जैसे हमने कहा है कि हर बार एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो एक बार नेट में जरूर रिसर्च कर लेना, उसके बाद इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जो भी इसका सही आंसर देगा उसको एक हार्ट हम अपनी तरफ से जरूर कमेंट में बता देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगी हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट, इमेज, मूवी, ये बेसिकली कौन से सर्वर में स्टोर होते हैं? वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर में, फाइल सर्वर में, एप्लीकेशन सर्वर में, कौन से सर्वर में स्टोर होते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? तो इनमें से जो है सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसका है? सीडी का है, या फिर हार्ड डिस्क का है, या फिर जिप डिस्क का है, या फिर फ्लॉपी डिस्क का है? तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर 4, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, अगर एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क देखें ना, तो इसका मेमोरी स्टोरेज जो होता है यह होता है 1.44 MB ही होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है। फ्लॉप, एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क का बेसिकली जो मेमोरी कैपेसिटी होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है, कितना होता है? 1.44 MB होता है। जिप डिस्क के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो है मीडियम साइज जो है बेसिकली स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क तो ये इसमें बहुत सारे, ये तो टीवी में भी आ सकते हैं, 2 TB, 3 TB का होता है। सीडी जो है इसमें, अगर हम सीडी देखें तो अलग अलग वेरियंट का आता है, एक सीडी में जो है यहाँ पे 10 भी जो है बड़े बड़े मूवीज़ को रखे जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कितना है। तो सबसे जो यहाँ पे छोटा है कैपेसिटी जिसका, यह है फ्लॉपी डिस्क का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? तो इनमें से कौन सा जो है हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, स्कैनर हार्डवेयर है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है ये हार्डवेयर नहीं है। इंटरप्रेटर से एक चीज़ याद आया कि एक क्वेश्चन बनता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इससे जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार बना है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर बेसिकली ट्रांसलेट करता है कोड टू मशीन कोड, ठीक है। और ये कैसे ट्रांसलेट करता है? इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, वन बाय वन जो है इसे ट्रांसलेट करता है, उसके बाद सीपीयू जो है वन बाय वन इसे एग्जीक्यूट कर देती है। लेकिन अगर हम कंपाइलर देखें, ये भी ट्रांसलेट करती है, ये ट्रांसलेट कोड इनटू मशीन कोड, लेकिन ये वन बाय वन नहीं, टुगेदर एक बार में ही, वन गो में ही ये करती है। अब इंटरप्रेटर का फायदा क्या है? इंटरप्रेटर का फायदा ये है कि ये इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेस करती है, तो कोई भी एरर रहे तो जब सीपीयू से जो है एग्जीक्यूट करती है तो यहाँ पे एरर इजीली डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है, क्योंकि ये एक ही बार में जो है ये करती है इन वन गो, तो यहाँ पे एरर डिटेक्शन में दिक्कत होता है। लेकिन काम दोनों का सेम है, दे ट्रांसलेट कोड इनटू मशीन कोड, एंड इट इज़ बेसिकली ए सॉफ्टवेयर, नॉट ए हार्डवेयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस? पेरिफेरल डिवाइस का अगर डेफिनेशन पता है तो आंसर देना कोई भी दिक्कत नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है? पेरिफेरल डिवाइस इज यूज टू एंटर इन्फॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर। तो पेरिफेरल डिवाइस जो है इससे बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन जो है ये एंटर करते हैं इनटू द कंप्यूटर, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच पैड हो गया, मॉनिटर हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं इसके पेरिफेरल डिवाइस के। सीपीयू जो है ये जो है इससे हम इन्फॉर्मेशन जो है ये एंटर नहीं करते, सीपीयू जो है इन्फॉर्मेशन से डेटा को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, प्रोसेस करती है। तो यहाँ पे सही आंसर है सीपीयू। मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट? तो मैक एड्रेस जो है इसे किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? यहाँ से दो क्वेश्चन बने हैं, जैसे मैक एड्रेस जो है इसे कौन सा एड्रेस कहा जाता है? इसे फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। क्यों फिजिकल एड्रेस कहा जाता है? क्योंकि जब कोई भी, मान लीजिए एक लैपटॉप मैन्युफैक्चर किया गया है, तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है एक बेसिकली मैक एड्रेस जो है दे दिया जाता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे आईपी एड्रेस, इसे चेंज किया जा सकता है। आईपी एड्रेस जो है इसे जो है आपका, आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कह के अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिवाइस का एक ही मैक एड्रेस होता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इसे फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। अब मैक एड्रेस जो है इसकी किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? ये जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, 12 डिजिट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कितने डिजिट का होता है एक मैक एड्रेस जो लिखा जाता है, ये 12 डिजिट का होता है। क्वेश्चन और एक बना था, मैक एड्रेस जो है थोड़ा सा अपर एग्जाम था, अपर लेवल का एग्जाम था, पहला 6 डिजिट जो है ये क्या बेसिकली कहता है? पहला 6 डिजिट जो है ये याद रखना मैक एड्रेस का, ये बेसिकली कहता है मैन्युफैक्चरर कौन है, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के बारे में जो है ये इन्फॉर्मेशन देता है, ये डिवाइस किसके द्वारा बनाया गया है, सिस्को के द्वारा बनाया गया, एचपी के द्वारा बनाया गया, हुआवे के द्वारा बनाया गया, या फिर गूगल के द्वारा बनाया गया, कौन से कंपनी के द्वारा, मैन्युफैक्चरर कौन है, ये पहला 6 डिजिट जो है इससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट ए वेबसाइट इज, तो फर्स्ट पेज जो हम व्यू करते हैं इन ए वेबसाइट इट इज़ कॉल्ड होम पेज, ठीक है, इसे होम पेज कहा जाता है। Which of this is not an ideal way to spread computer virus? USB, email, official antivirus CDs, infected website. तो इसका सही आंसर है, ऑब्वियसली आसान सा क्वेश्चन है, ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज में जो है यहाँ पे वायरस नहीं प्रेजेंट होते हैं। हालांकि यूएसबी, अगर मान लीजिए उसमें यूएसबी के अंदर अगर मान लीजिए कोई ऐसा फाइल है, कोई ऐसा इन्फेक्टेड जो है यहाँ पे फाइल है या डेटा है, इसके थ्रू जो है वायरस स्प्रेड हो सकता है। ईमेल के थ्रू हो सकता है, ऑब्वियसली ईमेल के थ्रू अलग अलग लिंक्स भेजे जा सकते हैं,
उसके बाद इन्फेक्टेड वेबसाइट के थ्रू हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल एंटीवायरस सीरीज के द्वारा ये नहीं होता है। द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिक फाइबर केबल इज जनरली, ये बेसिकली किससे बना हुआ होता है, तो ये जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बेसिकली बना हुआ होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर को इंटरनेट जो है ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से जो है बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक इन विच द यूज़र रिसीव्स अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स, तो इसे जो है ईमेल बॉम्ब कहते हैं, इस टर्म को जो है बेसिकली इस अटैक को जो है इसे ईमेल बॉम्ब कहा जाता है। What is the India's first सुपर कंप्यूटर कॉल, तो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका सही जवाब है यह है परम 8000। परम 8000 जो है ये इंडिया का सबसे पहला जो है ये सुपर कंप्यूटर था। A/N- is a interface between user and hardware, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका डेफिनेशन ही यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर प्रेजेंट नहीं है कंप्यूटर में तो ये बूट नहीं कर सकता है, इसका सही जवाब है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेना, एक क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 56 में इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने रखा है, आगे चल के इसको डिस्कस जरूर किया जाएगा। प्रत्यूस इज ए इंडियाज मोस्ट पावरफुल पिटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर विच इज़ यूज फॉर, प्रत्यूस जो इंडिया का सबसे जो पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल पिटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, इसे किस काम में लिया जाता है, इसे जो है वेदर एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन के काम में लिया जाता है, ये क्वेश्चन रिसेंटली बना था तो जरूर इसे ध्यान रखना। ट्रैकर बॉल इज डैश डिवाइस, ट्रैकर बॉल बेसिकली क्या है, इट इज सिमिलर टू माउस, माउस में जैसे मुझे अभी राइट जाना है, राइट की ओर जाना है तो मुझे माउस को थोड़ा राइट की ओर जो है मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट जाना है तो माउस को थोड़ा लेफ्ट की ओर मूव करना है, अप जाना है तो अप की तरफ माउस को ले जाना है, डाउन जाना है तो डाउन की तरफ जो है माउस को ले जाना है, तो जो माउस है ये भी जो है बेसिकली हम कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस है, और यहाँ पे माउस को मूव करते हैं, लेकिन ट्रैकर बॉल भी माउस की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या है जो बॉल होता है ना उसे यूज़ किया जाता है, इसको जो है जो बेसिकली ट्रैकर बॉल है एक परमानेंट जगह में रहता है, माउस के थ्रू हम अप डाउन लेफ्ट राइट ये जा सकते हैं, इसके बॉल से के थ्रू जो है इसे हम बेसिकली पॉइंट कर सकते हैं, तो ट्रैकर बॉल बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा क्या है, और ये बेसिकली जो है एक इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेड शीट, तो स्प्रेड शीट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये स्प्रेड शीट का एग्जाम्पल है। स्प्रेड शीट का बेसिकली फंक्शन क्या है, या फिर स्प्रेड शीट जो है कहाँ पे हम काम में लेते हैं, ये बेसिकली अगर स्प्रेड शीट के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। स्प्रेड शीट बेसिकली एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है फॉर कंप्यूटेशन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस एंड स्टोरेज इन टेबुलर फॉर्म, अगर टेबुलर फॉर्म में कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सारे पॉसिबल हो सकते हैं, एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे जो है स्प्रेडशीट को काम में लिया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बेसिकली स्प्रेडशीट है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जो डिजाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, इसका नाम क्या था, इसका नाम था एनालिटिकल इंजन, इसका जो है ये नाम था। बूटिंग द कंप्यूटर सिस्टम इज द प्रोसेस विच, तो इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, बूटिंग के बारे में अभी थोड़ा देर पहले हमने जो है डिस्कस किया था कि बूटिंग बेसिकली पॉसिबल नहीं है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है सिस्टम में, तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर 1, ब्रिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी, ये बेसिकली बूटिंग जब हम करते हैं, बूटिंग जब होता है कंप्यूटर में तो ये इट ब्रिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। और बेसिकली यहाँ अगर हम देखें तो बूटिंग क्या चीज़ है, बूटिंग हम किस चीज़ को रेफर करते हैं, ठीक है, तो बूटिंग कब किया जाता है, किस चीज़ को हम रेफर करते हैं, बूटिंग ए कंप्यूटर रेफर्स टू द प्रोसेस पावरिंग ऑन कंप्यूटर एंड स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अच्छा से स्टार्ट करने के लिए बेसिकली बूट होता है कंप्यूटर, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग। अब बूटिंग के बारे में आपको आइडिया मिल गया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो बूटिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, बूटिंग नहीं किया जा सकता है। व्हाट आर द 3 कंस्टिट्यूएंट ऑफ CPU इन ए कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बना है, तो 3 मेजर जो कंस्टिट्यूएंट है ये कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये तीनों जो है ये 3 मेन कंस्टिट्यूएंट है CPU का। डैश एनेबल ए यूजर टू रिमोटली एक्सेस अनदर कंप्यूटर एंड टर्मिनल ओवर इंटरनेट, तो इसका जो सही जवाब है ये है टेलनेट। टेलनेट बेसिकली क्या है, टेलनेट भी बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, टेलनेट इज ए प्रोटोकॉल दैट अलाउज यू टू कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर ओवर ए इंटरनेट, बेसिकली जो रिमोट कंप्यूटर्स हैं कह सकते हैं रिमोट होस्ट जो है, रिमोट सर्वर्स जो है, इसे बेसिकली आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं यूजिंग टेलनेट, तो टेलनेट जो है इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, टेलनेट।
ये मॉडेम इज कनेक्टेड टू, तो मॉडेम बेसिकली किससे कनेक्टेड रहता है, तो मॉडेम इज ऑलवेज कनेक्टेड टू फोन लाइन या फिर टेलीफोन लाइन से ये कनेक्टेड रहता है। अब मॉडेम जो है, आपने मॉडेम के बारे में बहुत बार सुना होगा, तो मॉडेम बेसिकली क्या है, मॉडेम इज अ डिवाइस दैट एनेबल्स ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन लाइन और केबल। ये बेसिकली मॉडेम का जो है ये फंक्शन होता है। हु एम इन द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, विंट सर्व को जो है ये फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन जो है ये आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन बार बार भी एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। ए हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस, तो हार्ड डिस्क जो है किसका एग्जाम्पल है, हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज का जो है ये बेसिकली एग्जाम्पल है। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, मेमोरी के बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि हमने वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल में बिल्कुल जाके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी जो है इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी जो होता है, दे आर बेसिकली कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दैट आर करेंटली इन यूज, जो करेंटली इन यूज है, इन इंस्ट्रक्शंस डेटा प्रोग्राम को ये होल्ड करते हैं, ये मेमोरी, इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है प्राइमरी मेमोरी का, रॉम, रैम, फ्लैश मेमोरी, कैच मेमोरी, ये सारे जो है एग्जाम्पल है प्राइमरी स्टोरेज का। सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल क्या है, पेन ड्राइव, जो पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क, ठीक है, ये सारे जो है ये बेसिकली एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विनजिप, तो विनजिप के बारे में आपने सुना होगा, विनजिप का बेसिकली फंक्शन क्या है, इट कंप्रेसेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉल फाइल, तो ये बेसिकली फंक्शन होता है विनजिप का। विनजिप के रिलेटेड क्वेश्चन भी बना है रेलवे में, तो विनजिप बेसिकली इट कंप्रेसेस द लार्ज फाइल इनटू स्मॉल फाइल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी, अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, जितने भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स हैं उनको तैयार जरूर कर ले, बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता है, कुछ हमने लिया है लेकिन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है ये इसका फुल फॉर्म है BCD का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VR इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो वर्चुअल रियलिटीज का फुल फॉर्म है VR का। और एक पूछा जा सकता है AR, AR का फुल फॉर्म क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी। MR का फुल फॉर्म क्या है, मिक्स्ड रियलिटी। ये सब याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ISP एक्सचेंजेस इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाय, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मान लीजिए आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो है, ये जो इंटरनेट ट्रैफिक है इसको किस तरह मैनेज करता है, ठीक है, थ्रू देयर नेटवर्क्स, तो इसका सही आंसर है ये है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। जो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट होता है यहाँ से जो है वो बेसिकली ट्रैफिक मैनेज करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज क्वाट्रो प्रो, ये बेसिकली अभी पूछा गया था, क्वाट्रो प्रो जो है इसके बारे में पूछा गया था, RRB NTPC CVT 2 में ही पूछा गया था। ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, तो क्वाट्रो प्रो बेसिकली एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इन वेब एड्रेस द डोमेन इंडिकेटर सफिक्स .com स्टैंड्स फॉर, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पे गलत करते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन में यहीं पे गलती करते हैं, कोई इसका आंसर दे के आता है कम्युनिकेशन, कोई दे के आता है कॉमन, इसका सही आंसर है कमर्शियल। वेब एड्रेस में जो डोमेन इंडिकेटर सफिक्स है .com, इसका फुल फॉर्म है कमर्शियल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इनमें से किसका जो है जरूरत पड़ सकता है, सही आंसर है टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर का क्यों जरूरत पड़ता है HTML अगर हम डॉक्यूमेंट बनाने जाएंगे तो, बिकॉज जो HTML अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें तो जो HTML जो फाइल होते हैं बेसिकली ये जो है टेक्स्ट फाइल होते हैं, तो इन्हें बनाने के लिए जो है टेक्स्ट एडिटर का जो है यहाँ पे जरूरत जो है ये पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट एडिटर को क्यों काम में लिया जाता है व्हेन मेकिंग HTML डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर WWW, थोड़ा स्पेलिंग गलत है यहाँ पे प्रोटोकॉल का, ध्यान देना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जरूर पढ़ के जाना। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन MS Word, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये भी जरूर ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गया, यहाँ से मतलब कॉमन है क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकते हैं। तो शॉर्टकट की कौन सा है बेसिकली टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन MS Word, तो इसका जो सही जवाब है यह है Ctrl+K, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। वी कैन स्टार्ट MS Word बाय टाइपिंग डैश इन रन डायलॉग बॉक्स, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मेरे डिवाइस में तो रन डायलॉग बॉक्स है ही नहीं। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपका विंडोज़ है तो यहाँ पे ये श्योर है कि वहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स जरूर है। तो रन डायलॉग बॉक्स में आप क्या टाइप करेंगे ताकि जो है MS Word खुल जाए, तो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको winword.exe, रिसेंटली पूछा गया था RRB NTPC CVT 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ बेसिकली करेक्ट। ए कंप्यूटर मॉडर्न रेटिंग इज 56K, रेफर टू इट्स, तो 56K जो लिखा रहता है मॉडर्न रेटिंग ये बेसिकली क्या रेफर करता है,
ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ट्रांसमिशन स्पीड, मेमोरी साइज, मॉडेम साइज। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर टू, ट्रांसमिशन स्पीड जो है ये रेफर करता है इसका इतना ट्रांसमिशन स्पीड है। HTML इज़ अ लैंग्वेज यूज टू क्रिएट, तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। HTML जो लैंग्वेज है बेसिकली इसे जो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में जो है मदद मिलता है, तो वेब पेजेस बनाने में जो है इसे मदद मिलता है। HTML लैंग्वेज को इसलिए यूज़ किया जाता है। Ubuntu, Mint एंड Fedora, तो ये जो है किसके वर्जन है, जैसे एंड्रॉयड का भी आपने देखा था, ठीक है, एंड्रॉयड के अलग अलग जो है वेरियंट वर्जन है, तो Ubuntu, Mint जो है ये किसके जो है वर्जन है, ये बेसिकली लिनक्स के जो है ये वर्जन है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, Ubuntu एक वेरियंट है, Mint भी इसका एक वेरियंट है या फिर वर्जन है कह सकते हैं, Fedora भी एक जो है इसका वर्जन यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। Which of the following language does a computer uses to process data? तो कौन से बेसिकली लैंग्वेज जो है यहाँ पे सिंपली अगर देखें तो कौन से लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर को समझ में आता है ताकि वो उसे समझ के डेटा को प्रोसेस कर सके, तो बाइनरी लैंग्वेज इसे जो है ये समझ में आता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 and 1। डैश एंड डैश आर टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडेड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो सबसे पहले तो साउंड इफेक्ट फाइल्स के अगर थोड़ा भी आपको आइडिया होगा, जैसे .jpg फाइल जो है ये ऑब्वियसली साउंड फाइल नहीं है, ये इमेज फाइल है। .wav.jpg वेब फाइल हो गया, ये जो है वेब फाइल भले ही हम कह सकते हैं कि ये जो है साउंड फाइल है, लेकिन jpg फाइल जो है ये अगेन जो है ये इमेज फाइल है। .doc फाइल ये डॉक्यूमेंट फाइल है, gif फाइल ये भी जो है ये छोटा जो है वीडियो फॉर्मेट का ये फाइल है mp4 टाइप का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रह गया वो है .wav फाइल, .mid फाइल, ये ऑप्शन जो है सही है। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है ना तो क्वेश्चन को एक बार तो जरूर पढ़ लेना जल्दी जल्दी ताकि समझ ले कि ऑप्शन एलिमिनेट हम कर सकें। ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक टेक्निक है जहां से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। डैश इज अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस। तो इसका जो आंसर है ये है SQL। बेसिकली SQL जो है इसे यूज़ किया जाता है, फुल फॉर्म काफ़ी बार बना है, रेलवे के एग्जाम में बना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ध्यान रखना, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। इसे बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर एक्सेसिंग, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन ए रिलेशनल डेटा बेस। इन विच ईयर वाज वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड, तो वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहले इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था ये भी जान लें, काफ़ी बार पूछा गया है। टिम्स बर्नर ली के द्वारा ये डेवलप किया गया है वर्ल्ड वाइड वेब, और कौन से ईयर में किया गया था, 1989 में ये किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, तो इसके बारे में जरूर ध्यान में रखना कि किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, टीम बर्नर्स ली, और कौन से ईयर में, 1989 में। इंटरनेट यूजेस, तो इंटरनेट बेसिकली कौन से टाइप ऑफ स्विचिंग यूज करती है, ऑब्वियसली ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है लेकिन इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा ईजियर लैंग्वेज में सर डिस्कस कर लेते हैं, इंटरनेट यूजेस पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या होता है थोड़ा सा ईजी में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि ये फुल डेफिनेशन नहीं है पैकेट स्विचिंग का, समझने के लिए सर डिस्कस कर लेते हैं। पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग डेटा इनटू पैकेट्स दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर डिजिटल नेटवर्क। दिस पैकेट अलाउज फास्टर, मोर एफिशिएंट एंड डेटा ट्रांसफर, मोर एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर के लिए ये बेसिकली काम में इसे लिया जा सकता है। मान लीजिए एक लार्ज डेटा है, ठीक है, उसे भेजना है थ्रू नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, एक डिवाइस से दूसरी जगह भेजना है थ्रू इंटरनेट। तो जो बड़ा जो इन्फॉर्मेशन डेटा है इसे छोटे छोटे जो है पैकेट्स में इसे जो है तोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो है इसे थ्रू द डिजिटल नेटवर्क इसे भेज दिया जाता है ताकि यहाँ पे फास्ट हो, एफिशिएंट हो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर। ये जो है बेसिकली स्विचिंग प्रोटोकॉल, बेसिकली पैकेट स्विचिंग जो है यहाँ पे मैकेनिज्म, प्रोटोकॉल नहीं, रियली सॉरी, पैकेट स्विचिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, इंटरनेट इसे यूज़ करता है। तो ये सारे हैं, बाकी सर्किट स्विचिंग भी कुछ चीज़ें हैं, पहले सर्किट स्विचिंग भी कुछ कुछ चीज़ें में यूज़ किया जाता था, हालांकि कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हाई है कि ये बेसिकली इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, एक टेली कम्युनिकेशन जो है सब्जेक्ट है उसमें से जो है इसे लाया गया है, इसमें जो है कॉन्सेप्ट समझाया गया है। .png फाइल इज एन, तो .png फाइल बेसिकली एक इमेज फाइल है, जैसे खास करके .png फाइल कहाँ पे बनता है, जैसे MS Paint हो गया, MS Paint में जो भी फाइल हम सेव करते हैं खास करके देखना बाय डिफॉल्ट ये .png फाइल में सेव हो जाता है। .png फाइल जो है ये इमेज फाइल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर फ्रॉम द फॉलोइंग, ओपेरा वेब ब्राउजर है, सफारी एप्पल का वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है, गूगल सर्च इंजिन है, गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। अगर यहाँ पे अगर गूगल क्रोम लिखा हुआ होता तो गूगल क्रोम अगर हम देखें तो गूगल क्रोम बेसिकली यहाँ पे ये वेब ब्राउजर है लेकिन गूगल एक सर्च इंजिन है, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गूगल इज नॉट ए वेब ब्राउजर। लाइन डेजी व्हील लेजर ड्रम आर टाइप ऑफ, तो अभी हमने लाइन प्रिंटर के बारे में देखा था, ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है।
डेजी विल इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर, लेजर प्रिंटर के बारे में डिस्कस किया था, ड्रम प्रिंटर जो है ये प्रिंटर है, तो दिस आर द टाइप ऑफ प्रिंटर, सिंपल है। थोड़ा सा भी यहाँ अगर आपको आइडिया हो ना तो भी आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। कंप्यूटर में क्वेश्चन टफ नहीं आता, आप जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं टफ नहीं आ रहा है यहाँ पे, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करना है। हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था, ये जो है जॉन मैकार्थी के द्वारा जो है ये टर्म बेसिकली दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जाम्पल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर ए यूजर। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्प्रेडशीट, इतना सारा हमने स्प्रेडशीट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, स्प्रेडशीट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह ग्राफिक्स जो है ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स खास करके इसे जो है कुछ स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर डिवाइस में। व्हाट फैसिलिटेट्स रिमोट लॉगिन ऑन ए कंप्यूटर, तो टेलनेट अभी हमने डिस्कस किया था, टेलनेट के थ्रू जो है ये रिमोट एक्सेस किया जा सकता है, तो सर सही आंसर है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट कर दिया गया है। व्हाट फैसिलिटेट्स रिमोट लॉगिन ऑन ए कंप्यूटर, तो टेलनेट के मदद से ये किया जा सकता है, टेलनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर्स कंप्यूटर टेम्पोरली फॉर दैट सीजन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बेसिकली कुकीज़ कहा जाता है। कभी कभी अलग अलग वेबसाइट में आप जाते हैं तो कुकीज़ के बारे में यहाँ पे पहले आपसे परमिशन लिया जाता है। अब कुकीज़ जो है इसे क्या क्या हो सकता है, कुकीज़ कौन बेसिकली यूज़ करते हैं, तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अमेज़न के वेबसाइट में जाते हैं, कुछ आपको जो है क्लोदिंग के रिलेटेड कुछ जो है कपड़े आपको खरीदना है, उन कपड़े को देखते हैं, खरीदते नहीं हैं, वापस आ जाते हैं, कोई अलग वेबसाइट में जाते हैं, अलग वेबसाइट में आपको देखने मिलेगा कि सेम एडवर्टाइजमेंट मुझे दिखाया जा रहा है जो मैंने अभी रिसेंटली अमेज़न में देखा था या फ्लिपकार्ट में देखा था। ये कैसे पॉसिबल होता है, बिकॉज जो कुकीज़ होता है ना, ये कुकीज़ के थ्रू जो है एक छोटा छोटा जो है यहाँ पे आपका यूज़र बिहेवियर जो है इसे ट्रैक किया जाता है, उसके बाद उसी से रिलेटेड जो है टारगेटेड यहाँ पे एड्स आपको दिखाया जाता है, और ये पॉसिबल है कुकीज़ के थ्रू। कुकीज़ जो है 70% इसीलिए यूज़ किया जाता है, कुछ कुकीज़ जो है जो वेबसाइट यहाँ पे परमिशन मांगती हैं ये जो है बेहतर जो आपका सर्च जो है बेहतर करने के लिए जो है कुकीज़ को भी यूज़ किया जाता है अलग अलग जो है वेबसाइट के द्वारा। कुकीज़ भी बहुत तरह के होते हैं, अगर डिस्कस करना जाएंगे तो मतलब पूरा एक वीडियो लगेगा, जैसे इंटरनेट कुकीज़ होते हैं, सीजनल कुकीज़ होते हैं, ब्राउज़र कुकीज़ होते हैं, तो इस तरह अलग अलग जो है कुकीज़ भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, तो कुकीज़ बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली इट इज़ ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन यूजर्स कंप्यूटर टेम्पोरली फॉर दैट सीजन इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड बेसिकली कुकीज़। हाँ, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं बेसिकली प्राइवेसी का फिर क्या अगर कुकीज़, तो कुकीज़ इसीलिए परमिशन मांगते हैं, येस और नो आपको वहाँ पे करना होता है, कोई भी आप वेबसाइट में जाते हैं वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो प्राइवेसी देखिए, इंटरनेट के जो ज़माने में प्राइवेसी को थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता ही है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे, आगे बढ़ते हैं। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर फोर्टन एंड कोबोल लैंग्वेज फर्स्ट यूज, तो फोर्टन और कोबोल लैंग्वेज ये जो है कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहली बार यूज़ किया गया था, सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे यहाँ पे पहली बार ये यूज़ किया गया था, रिसेंटली ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नॉर्मली एक क्वर्टी कीबोर्ड हैज़ डैश की, ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी CVT 2 CVT 1 से ही है, कितने होते हैं यहाँ पे कीबोर्ड, एक क्वर्टी जो बेसिकली कीबोर्ड होता है कितने यहाँ पे कीज़ होता है, तो 104 नॉर्मली यहाँ पे कीज़ होते हैं। वीडियोग्राफी एरे VGA इज अ सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स, इट इज़ डेवलप्ड बाय, तो VGA केबल भी आपने सुना होगा, कंप्यूटर में VGA केबल्स भी जो है ये लगाया जा सकता है और डिस्प्ले किया जा सकता है। तो वीडियोग्राफी एरे जो है ये सिस्टम किसके द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था, तो ये जो है IBM के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। डेटा प्रोसेसिंग डज नॉट इन्वॉल्व, अब कोई डेटा को प्रोसेस करना है तो एक बार पढ़ना है ऑप्शन को, कौन से इनमें से ज़रूरत नहीं है, डेटा मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत डेटा मैनिपुलेट करके जो है इसे प्रोसेस किया जा सकता है, डेटा कंजम्पशन बहुत जरूरी है, कंज्यूम ही नहीं करेगा तो प्रोसेस क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ये भी जरूरी है, अगर मैनेज अच्छे से नहीं करेंगे तो प्रोसेस नहीं हो सकेगा, लेकिन डेटाबेस इंस्टॉलेशन का जरूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की क्या जरूरत है, अगर प्रोसेस करना है तो इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल में है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ईजी है, इस तरह क्वेश्चन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 डेटाबेस इंस्टॉलेशन। डेटाबेस इंस्टॉलेशन बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, बाकी सारे चीज़ जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग। द ट्रायल टेस्ट ऑफ ए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बिफोर कमर्शियल लॉन्च इज कॉल्ड, तो कमर्शियल लॉन्च से पहले कुछ एक ट्रायल टेस्ट किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बीटा वर्जन कहा जाता है।
कि ये बेसिकली फेसबुक का एक मेटा का बीटा वर्जन है, फेसबुक जो मेटा बीटा वर्जन पे आप काम कर रही है। गूगल अगर कुछ अगर नया लॉन्च करना चाहती है तो बीटा वर्जन पे पहले काम करती है, तो ये बेसिकली बीटा टेस्ट होता है, कमर्शियल लॉन्च से पहले एक बीटा वर्जन जो है आता है या फिर बीटा टेस्ट ये होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखें 98% क्वेश्चन जो कंप्यूटर से पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ यहाँ पे हो सकता है। ESS is a computer based system that allows user to transfer enterprise data. ESS stand for, इसका जो सही आंसर है यह है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, इसका जो है यह सही आंसर है। ESS का जो फुल फॉर्म है यह है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, यह इसका जो है ये फुल फॉर्म बेसिकली है। ए कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन इन द नेम ऑफ, ये कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ, तो कंप्यूटर को जो है और कौन से नाम से जाना जाता है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का मॉनिटर, बेसिकली कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है ना, कंप्यूटर मॉनिटर, ये कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे और डिटेलिंग किया जा सकता था, जैसे कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, तो कंप्यूटर मॉनिटर को जो है ये जो कहा जा सकता है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसे बिल्कुल कहा जा सकता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ये स्पाइडर इज ए, इस तरह क्वेश्चन जो है रेयर हैं लेकिन रिसेंटली पूछे गए हैं। तो जो बेसिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कंप्यूटर, स्पाइडर बेसिकली क्या होता है, स्पाइडर इज बेसिकली ए प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट, इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। स्पाइडर अगर आप जानना चाहेंगे स्पाइडर क्या है, तो स्पाइडर था सिमिलर टू बॉट्स, अगर आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो बॉट्स बनाए जाते हैं बेसिकली पहले एनालाइज कर लेते हैं सारे वेबसाइट्स को, उसके बाद उसी की तरह जो है ऑटोमेटिक रिप्लाई देते हैं, तो स्पाइडर भी बेसिकली उसी तरह का ही काम करता है। इट इज बेसिकली ए प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स द वेबसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इनमें से कौन सा है, ये भी क्वेश्चन रिसेंटली बना था। योटाबाइट जो है ये सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम का, योटाबाइट तक ही जो है लगभग मान सकता है कि ये सबसे बड़ा यूनिट है। इससे बड़ा यूनिट तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे तो नहीं पता कि इससे बड़ा कोई यूनिट जो है कंप्यूटर का मेमोरी का होता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सबसे छोटा क्या होता है, बिट हमने डिस्कस कर लिया। 8 बिट में जो है 1 बाइट होता है, 1024 जो है बाइट में 1 KB होता है, उसके बाद सिमिलरली MB होता है, GB होता है, इसका फॉर्मेट याद रखना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ठीक है। तो 1024 जीटाबाइट इक्वल्स टू 1 योटाबाइट ये होता है, तो सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट यूनिट है योटाबाइट। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डॉस, तो डॉस का जो है ये फुल फॉर्म क्या है, डॉस का जो फुल फॉर्म है ये है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है इसलिए यहाँ पे भी हमने कवर अप किया है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। यह बग इन कंप्यूटर मीन्स, तो बग जो बेसिकली एक एरर को जो है बग कहा जाता है कंप्यूटर में, मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम है उसमें बग प्रेजेंट है, तो इसमें बेसिकली एरर प्रेजेंट है जिसके वजह से वो कम्प्लीटली जो है इसमें जो है एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रहा है, तो कह सकते हैं इसे बग, कंप्यूटर टर्म से बग कहा जाता है। द फर्स्ट एवर नेटवर्क टू इंटरनेट वॉज कॉल्ड, तो इसे जो है अर्पानेट जो है कहा जाता है। फर्स्ट एवर जो नेटवर्क जो बेसिकली बनाया गया था टू फर्स्ट एवर नेटवर्क टू इंटरनेट वॉज बेसिकली अर्पानेट, और अर्पानेट का जो फुल फॉर्म है ये भी थोड़ा याद रखना, अर्पा का जो फुल फॉर्म है ये RPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद नेट का जो है ये नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी किसके द्वारा बनाया गया था, ये यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये बनाया गया था। व्हाट इज द टर्म API रेफर्स टू, तो API का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, API कीज के बारे में आपने सुना होगा, हालांकि बहुत एडवांस टर्म है इतना जरूरी नहीं है इसके बारे में पढ़ना, लेकिन फुल फॉर्म जरूर याद रखना। इसका जो फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कैच मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, तो कैच मेमोरी के बारे में हमने बात किया था, इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, लेकिन ये कौन से दो चीज़ों के बीच में रहता है, तो कैच मेमोरी जो है ये CPU और RAM के बीच में बेसिकली जो है ये रहता है, और यहाँ पे जो भी नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रोग्राम जो है नेक्स्ट जो भी एग्जीक्यूट करना होता है CPU के द्वारा ये डायरेक्ट कैच मेमोरी से ये ले सकता है, वो स्टोर रहता है कैच मेमोरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश 1000 टाइम पर सेकेंड, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 DRAM। DRAM जो है इसे बार बार जो है रिफ्रेश करना पड़ता है। DRAM बेसिकली ये क्या यूज़ करता है, ये कैपेसिटर को यूज़ करता है, डेटा स्टोरेज के लिए कैपेसिटर को यूज़ करता है एज इलेक्ट्रिकल चार्जेस, और कैपेसिटर जो है ये बेसिकली चार्ज लीक करती है ओवर टाइम, जिसके वजह से जो है डेटा में कुछ जो है डिस्टर्बेंसेस आ सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, इसीलिए कंटिन्यूसली जो है इसे रिफ्रेश किया जाता है। GPRS स्टैंड फॉर, काफ़ी बार ये भी पूछा गया, GPRS का फुल फॉर्म पूछा गया, हालांकि आसान है लेकिन बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, तो इसका सही आंसर है यह है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इसका जो सही आंसर है यह है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे फ्रॉम कंप्यूटर जो कि बार बार पूछे गए उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया,
वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट को मदद यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में जो टेस्ट सीरीज है उसको लेना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टैटिक जीके बहुत अच्छा से आप प्रिपेयर करके एग्जाम जरूर अच्छा से दे सकते हैं। और हाँ, टाइम वेस्ट मत करना, एक ही टारगेट है, एग्जाम निकालना है किसी भी हाल में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।